गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यास्मीन फ्रॉम सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल। मैं इंग्लिश ग्रामर की टीचर हूँ। आज आप लोगों को मैं वन क्लास की वन चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपका सबसे पहले इसमें चैप्टर का नेम है, चैप्टर वन में है आपको अल्फाबेट एंड वर्ड्स। ये चैप्टर वन में दिया हुआ है, जैसे लेट्स लर्न अबाउट। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे, हम पढ़ के आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट इन बिग एंड स्मॉल लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स इन वर्ड्स, यूज ऑफ ग्लिम्स इन वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग डबल ओ एंड शॉर्ट वर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ रैमिंग वर्ड्स। जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में एक लेटर्स बड़े होते हैं और एक छोटे होते हैं, जो कि हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, बड़े ए बी सी डी ई एफ जी एच आई टू जेड तक। जैसे कि आप, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर्स, यानी छोटा ए छोटा बी छोटा सी टू जेड तक। जैसे बच्चे, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, पहले क्लास में छोटा ए छोटा बी लिखना आप लोग सीखे होंगे। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स पहचानने के लिए दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं बिग लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बच्चे, ये आप लोगों के हुए बिग लेटर्स। अब इसके बाद आते हैं बिग लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो बुक में ये दिए हुए स्मॉल लेटर्स, जैसे छोटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हम लोग जान गए कि इस स्टेप से हम लोग स्मॉल लेटर्स एंड बिग लेटर्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये अल्फाबेट चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको ये अल्फाबेट के क्या लिखने होंगे, आप लोगों को डेफिनेशन, जो कि हम ये लिख चुके हैं। तो ये आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं बोर्ड से, क्योंकि लिखा हुआ है ये। तो एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। क्या इसको पढ़ेंगे, एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन of all the letters in any language। इसकी example दिए हुए हैं बच्चों, A B C D E F to Z। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें इसलिए छोटा हुआ है जेड तक, इसमें big letters के हैं etc, मतलब बाकी सब लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अल्फाबेट में होते हैं letters 26, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद अब आप लोग से कभी पूछे कि कैपिटल लेटर्स क्या होता है, तो व्हाट इज कैपिटल लेटर्स, तो आप लोगों को बच्चे जानना जरूरी है कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं। तो कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स आर, इसको लिखने के लिए जरूरत पड़ती है, कैपिटल लेटर्स आर, लिखेंगे यहाँ पे बिग लेटर्स जैसे ए बी सी डी टू जेड, इसको हम जेड तक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको लिख दिए टू जेड तक, सेम जेड तक होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको जेड तक। और उसके बाद आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स, आपसे कोई पूछे तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से, जैसे कैपिटल लेटर्स आर ए बी सी डी जेड टू जेड आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। अब आइए आते हैं हम लोग स्मॉल लेटर्स पे। तो स्मॉल लेटर्स सेम वे, ये जैसे हम लोग कैपिटल लेटर्स को लिखे हैं वैसे सेम लिखेंगे हम लोग स्मॉल लेटर्स को। स्मॉल लेटर्स आर ए बी सी डी ई टू जेड आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। अब ये हो गए हमारे ये स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को हम लिख सकते हैं इसका। उसके बाद आगे आते हैं हमारे लेटर। अब तो लेटर भी जानना जरूरी है, क्या होते हैं लेटर्स, तो लेटर को हम लिखेंगे, इसका सबसे पहले डिफाइन हम लोग लिखेंगे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। हम इसे शॉर्ट करके लिखे हैं, इसका एक और भी डेफिनेशन होता है, लेकिन बट आप लोगों को इजी हो याद करने में, इसलिए मैं ये वाला लिखी हूँ, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज।
अब लेटर तो आप स्टडी फाइन लिख चुके हैं, बट आप लोगों को ये लेटर जानना भी जरूरी है कितने तरीके होते हैं। तो ये मैं अभी बताई आप लोग इससे पहले कि दो तरीके होते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। अब नेक्स्ट आगे आते हैं वर्ड पे। अब लेटर्स पढ़ लिए हम लोग, कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ लिए, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे वर्ड। अब हम लेटर्स की बात पढ़ेंगे, वर्ड वर्ड जानेंगे। तो बच्चे वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ए वर्ड ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो हम लोग वर्ड के बारे में, जैसे वर्ड का हिंदी होता है शब्द होता है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप होता है लेटर्स का जो कि हम लेते हैं एक एक करके, उसके बाद उसका गिव अस कंप्लीट मीनिंग, उसका कुछ मीनिंग बनता है, जैसे हम उसको मीनिंग में बदलते हैं, चेंज करते हैं उसका, और कॉल्ड, तब वो जाके हमारा वर्ड बनता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में आपको ए प्लस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई इक्वल एप्पल। जैसे यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे प्लस एक लेटर्स लिए ए, एक लेटर्स लिए पी, फिर टी, फिर एल, फिर ई, और इक्वल ये बराबर सबको इसको एक जगह करके हम लोग लिखे तो क्या बना हमारा, एक वर्ड बना। जैसे एक पर एक वर्ड बना, उसके बाद वर्ड बनने के बाद हमारे ये क्या बना, इसका एक मीनिंग आता है, इसका कुछ मीनिंग होता हो, तो इसका मीनिंग होता है सेम। जैसे तो एक वर्ड बना है, तो ये हमारा यहाँ तक का वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग सेंटेंस, ठीक है। तो मैं इसको फिर से मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सेंटेंस। यहाँ पे a group of words